प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता सपनों के राज को जानना चाहती है। ड्रीम्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में इनसाइट्स देते हैं। इस स्टेट में हमारे इमोशंस और मेमोरीज ऑर्गेनाइज होते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपना जीवन जीते हुए झूठ बोलते हैं, ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। लेकिन ईगो की वजह से हम खुद को गलत नहीं समझते, पर सपनों की दुनिया में ये इनहिबिशंस ड्रॉप हो जाते हैं और आपका सामना आपकी सच्चाई से होता है। लेकिन सपनों का रहस्य इससे कहीं ज्यादा गहरा है। कुछ लोगों का मानना है कि सपने हमारे और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच की रेल्म है, जहां हमारा संपर्क गुजरे हुए पूर्वजों से हो सकता है। स्टडीज से पता चला है कि दो लोग एक ही ड्रीम को एक साथ शेयर भी कर सकते हैं। सपनों के जरिए आध्यात्मिक उन्नति भी संभव है। सपनों में फ्यूचर भी देखा जा सकता है। अर्ली 2000s में यूपी के अरविंद सपनों में भविष्य देखने का दावा करते थे। उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि जल्द ही एक विशाल भूकंप और सुनामी आने वाले हैं और उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। लाखों लोगों की जान जा सकती है और कई देश प्रभावित हो सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को दुनिया जान गई कि अरविंद की भविष्यवाणी एकदम सच थी। ईयर 2006, जीनी नाम की एक महिला का अपने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर ब्रायन स्टोन के साथ क्लिनिक में सेशन चल रहा था। जीनी ब्रायन से एक सपने के बारे में बात कर रही थी जो उन्हें बार बार आ रहा था। साइकियाट्रिस्ट अक्सर अपने पेशेंट के सपनों को सुनकर उनके सबकॉन्शियस मीनिंग्स ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि उनका ट्रीटमेंट आसान हो। जीनी ने उन्हें बताया कि उनके सभी ड्रीम्स अलग होते हैं, लेकिन उनमें एक एलिमेंट कॉमन होता है। चाहे वो ड्रीम में कुछ भी कर रही हूँ, एक व्यक्ति उन्हें ड्रीम में जरूर विजिट करता है जिसका नाम तक वो नहीं जानती थी। वो उसे दिस मैन कहती थी। ज्यादातर समय वो शांति से खड़ा रहता था, लेकिन कई बार वो कुछ कहता था जो उतना ही अजीब था जितना उसका अपीयरेंस। वो कहता था सब ठीक हो जाएगा, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो खुद को उनका दोस्त बताता था और कुछ ऐसी बातें भी जो उनके बारे में कोई नहीं जानता था। रेकरिंग ड्रीम्स काफी कॉमन है, लेकिन जीनी के साथ जो हो रहा था वो अनयूजुअल था। साइकियाट्रिस्ट ने जीनी से कहा वो उसका स्केच बनाए। जीनी ने गोल सा चेहरा, रिसीडेड हेयरलाइन और पतले लिप्स वाला एक आदमी बनाया। इसके बाद ये स्केच साइकियाट्रिस्ट की डेस्क में पड़ा रहा और क्लिनिक बंद हो गया। कुछ हफ्तों बाद एक व्यक्ति डॉक्टर स्टोन के साथ सेशन खत्म करके वापस जा रहा था, तभी उसकी नजर उस स्केच पर पड़ी। उसने डॉक्टर स्टोन से पूछा ये स्केच उन्हें कहां से मिला। स्टोन को स्केच के बारे में कुछ याद नहीं था, लेकिन उन्होंने पूछा कि आखिर उसमें ऐसा क्या है। व्यक्ति ने कहा पिछले कुछ महीनों से हर रात वो इस आदमी को अपने सपने में देख रहा है। डॉक्टर स्टोन ने कहा कि वो चिंता ना करे और उनसे नेक्स्ट वीक मिले। डॉक्टर स्टोन ने स्केच को अपने पहचान के सारे साइकियाट्रिस्ट और डॉक्टर्स को ईमेल किया और ये स्केच सर्क्यूलेट हो गया। 90 सेकेंड्स के अंदर ही उन्हें एक फोन आया। ड्रीम्स क्या हैं और क्यों आते हैं, इसका सीधा जवाब तो कोई नहीं जानता। लेकिन ह्यूमन बॉडी में बिना वजह कुछ भी नहीं होता, तो निश्चित ही ड्रीम्स का भी कोई मतलब जरूर होगा। हमारे ब्रेन्स लगातार स्टिमुलाई एब्जॉर्ब करते रहते हैं, तो ड्रीम्स में हमारा मन उन सभी थॉट्स को रिमूव करता है जो काम के नहीं होते, और जरूरी थॉट्स इंफॉर्मेशन या विजुअल की एक डेटा फाइल बनाकर फ्यूचर के लिए सुरक्षित रख लेता है। सभी जानवर सपने देखते हैं और सभी के ब्रेन में एमिग्डाला होती है। यही वो ग्लैंड है जो इमोशंस को प्रोसेस करती है। सपनों के दौरान जानवरों को अलग अलग सिनेरियोस दिखाए जाते हैं ताकि वो इनसे सीखकर रियल लाइफ में अपना बचाव कर सकें। ऐसी रिसर्चर्स हैं जो इशारा करती हैं कि ड्रीम प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करते हैं। आप किसी प्रॉब्लम के साथ सो जाते हैं जिसका जवाब आपको दूसरे दिन मिलता है, क्योंकि ड्रीम्स में वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई है। ड्रीम्स के दौरान प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इनएक्टिव हो जाता है, जो लॉजिक और सेंस ऑफ सेल्फ से कनेक्टेड है। बिना ईगो और लॉजिक के हमारा माइंड फ्रीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, जो जागते हुए संभव नहीं होता। स्लीप स्टेजेस में होती है। पहली स्टेज लाइट स्लीप है। यहाँ आपको गहरी नींद नहीं लगी होती, बल्कि ये एक तरह का गहरा आलस है। डे ड्रीमिंग को भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरी स्टेज में बॉडी सो चुकी होती है और माइंड फंक्शंस बंद होने लगते हैं। तीसरी स्टेज डीप स्लीप की होती है, जब हमारा माइंड डेल्टा वेव्स प्रोड्यूस करता है और सारी हीलिंग्स इसी स्टेज में होती है।
और चौथी स्टेज होती है रेम स्लीप। इसे रैंडम आई मूवमेंट या रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है। यही वो स्टेट है जिसमें हमारे सपने काफी विविड हो जाते हैं। आप शायद नोटिस ना करते हो, लेकिन स्टेट में ज्यादातर ड्रीम्स नेगेटिव होते हैं, जिनमें एंग्जाइटी और फियर डोमिनेंट होते हैं। यही नाइटमेयर्स का लैंडस्केप है और यही लोगों से मिलने आता था दिस मैन। डॉक्टर स्टोन का फोन लगातार बज रहा था। साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और यहां तक कि प्रीस्ट भी उनसे संपर्क कर रहे थे, क्योंकि हजारों लोग इस तस्वीर को पहचानते थे। उनका कहना था कि यही वो इंसान है जो उनके सपनों में आता है। स्टोरी सेम थी कि ये आदमी चुपचाप खड़े होकर उन्हें देखता था, कभी उनसे कहीं जाने के लिए कहता था और फिर चला जाता था। वीकेंड तक डॉक्टर स्टोन ने 80 ऐसे पेशेंट्स देखे थे जो दिस मैन को अपने सपने में देख रहे थे। ये इत्तेफाक से कुछ ज्यादा ही था। तभी डॉक्टर स्टोन को बर्लिन से एक ईमेल आया। ईमेल में एक वेबसाइट का लिंक था, thisman.org। इस वेबसाइट में दुनिया भर से लोग दिस मैन को देखने के रिपोर्ट शेयर कर रहे थे। लोग इसके प्रिंटआउट्स निकालकर पब्लिक प्लेसेस में लगा रहे थे और सवाल यही था कि क्या आपने इसे अपने सपने में देखा है, और जवाब था हाँ। अलग अलग थियोरी सामने आने लगी। रिलीजियस लोग उसे इविल एंटिटी बताने लगे, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि उसके पोस्टर्स हर जगह मौजूद हैं और उसका चेहरा काफी अनर्विंग है, इसलिए लोग उसे अपने सपने में देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक डार्क थियोरी भी थी। CIA ने प्रोजेक्ट स्टारगेट में साइकिक्स का इस्तेमाल करके रिमोट व्यूइंग के जरिए रिमोट लोकेशंस को देखने की एक्सरसाइज की थी। इसी प्रोजेक्ट का सब प्रोजेक्ट था जिसमें CIA ट्रेंड साइकिक्स को दूसरे के सपनों में भेजकर कोई खास मैसेज डिलीवर करके देखना चाहती थी। क्या CIA ने इस फिगर को मैसेज डिलीवर करने के लिए चुना था? आखिर CIA क्या करना चाहती थी? अब तक दिस मैन को सपने में देखने वालों की संख्या 8,000 तक पहुंच चुकी थी। या तो CIA का एक्सपेरिमेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, या फिर वो परफेक्टली काम कर रहा था। एंशिएंट ग्रीक्स और रोमन्स मानते थे कि कुछ लोगों के पास सपने में भविष्य देखने की शक्ति होती है, और इस बात के कुछ एविडेंसेस भी मौजूद हैं। 11 अप्रैल 1865 इब्राहिम लिंकन व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में एंटर हुए। वहां रूम के बीचों बीच एक कॉफिन मौजूद था। प्रेसिडेंट ने गार्ड से पूछा, ये सब क्या है? गार्ड ने प्रेसिडेंट से कहा, एक असैसिन ने प्रेसिडेंट की जान ले ली है। ये इब्राहिम लिंकन का पहला सपना था जिसमें उन्होंने अपनी मौत देखी थी, और यही उनका आखिरी सपना साबित हुआ, क्योंकि उनकी मौत ठीक उसी तरह हुई। मार्क ट्वेन ने सपने में अपने भाई की डेड बॉडी को मेटल कॉफिन में देखा था। कुछ हफ्तों बाद उनकी भाई की मौत हुई और उसे मेटल कॉफिन में ही रखा गया। 20 पैसेंजर्स ने टाइटैनिक शिप की टिकट्स कैंसिल किए थे, क्योंकि उन्होंने सपना देखा था कि जहाज डूबने वाला है। उन 20 लोगों की जान बच गई, और हम जानते हैं कि टाइटैनिक डूब गया था। 9/11 हमला होने से पहले भी ऐसे कई लोग थे जिन्हें सपने में ये मैसेज मिला कि उन्हें उस बिल्डिंग में नहीं जाना चाहिए, और उनकी जान भी बच गई। हमने UP के अरविंद के बारे में सुना जो सपने में फ्यूचर देखने के दावे करते थे। उन्होंने अर्ली 2000s में ऑर्कुट अकाउंट बनाया था। ऑर्कुट में उनकी कम्युनिटी का नाम 100 Days था, जिसमें वो आने वाले इवेंट्स के बारे में लिखते थे। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार इंडियन ओशन में 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से मैसिव सुनामी आई थी। कई देश प्रभावित हुए और 2,30,000 लोगों की जान चली गई थी। अरविंद की लगभग हर भविष्यवाणी सच साबित हुई थी। उन्होंने पाकिस्तान की मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो की डेथ को भी प्रिडिक्ट किया था। जोजो बिलिंग्सली लियोनार्ड स्किनर्ट्स में एक बैकअप सिंगर थी। उन्हें सपना आया कि बैंड जिस प्लेन में उड़ रहा है वो क्रैश हो गया है। उन्हें नेक्स्ट डे फ्लाइट लेनी थी, लेकिन जोजो ने जाने से मना कर दिया। उन्होंने बाकी मेंबर्स से भी रुकने के लिए कहा, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। वो प्लेन क्रैश में मारे गए। ये क्रैश उनके नए एल्बम स्ट्रीट सर्वाइवर्स के रिलीज होने के 3 दिन के बाद हुआ था। इस एल्बम का कवर बाद में चेंज कर लिया गया, लेकिन पहले ये कवर बैंड मेंबर्स को फायर फ्लेम्स के बीच खड़ा दर्शाता था। इसे आप कोइंसिडेंस कह सकते हैं, लेकिन ये स्टोरीज काफी अनयूजुअल हैं। अक्टूबर 19, 1966 साउथ वेल्स के छोटे से माइनिंग विलेज एबरफॉयल में 10 साल की एरल मे जोन्स ने अपनी माँ से अपने सपने के बारे में बताया। एरल ने कहा वो सपने में स्कूल गई थी, लेकिन वहां कोई स्कूल नहीं था। कुछ ब्लैक मलवा चारों तरफ से स्कूल को घेर चुका था। 2 दिन के बाद माइन का ऊपरी हिस्सा कोलैप्स हो गया और एरल का स्कूल पानी, मिट्टी और कोयले से ढक गया था।
इस घटना में 116 बच्चे और 28 एडल्ट्स मारे गए थे। इसमें 10 साल की एरल मे जोन्स भी शामिल थीं। तभी जॉन बार्कर ने साइट के बारे में सुना और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने पहुंचे। उन्हें पता लगा कि कई और लोग भी थे जिन्हें इस घटना से पहले ही सपने में यह आभास हुआ था। इसी इंसिडेंट के बाद बार्कर ने ब्रिटिश प्रेमोनिशन ब्यूरो बनाया। वो ऐसे ही इवेंट को डॉक्यूमेंट करते थे जहां लोगों ने घटना होने के पहले सपनों में उन्हें देखा था। बार्कर को वहां दो लोग मिले जो इवेंट्स को एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट कर सकते थे। एक एलन हेंचो थे जिन्होंने एबरफॉयल की घटना का सपना देखा था। एलन ने बार्कर को एक दिन फोन किया और बताया कि उन्होंने सपने में एक प्लेन क्रैश देखा है जो पहाड़ में हुआ और 124 लोगों की जान चली गई। 9 दिनों के बाद ब्रिटानिया पैसेंजर एयरक्राफ्ट 130 लोगों के साथ बुरे मौसम में उड़ान भर रहा था। तभी वो धुंध की वजह से एक पहाड़ में क्रैश हो गया। 6 लोग सर्वाइव कर गए और 124 लोगों की जान चली गई। इसके बाद बार्कर की मुलाकात कैथलीन मिडिलटन से हुई। उन्होंने सपने में एक एस्ट्रोनॉट को मरते हुए देखा था। उसी दिन व्लादिमीर कोमनोव की जान चली गई जो क्रैश लैंड में मारे गए थे। मार्च 11, 1968 कैथलीन रॉबर्ट कैनेडी से मिलने की कोशिश कर रही थी। वो उन्हें वार्न करना चाहती थी कि उनकी जान खतरे में है, लेकिन उनके स्टाफ ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। 4 जून को कैथलीन ने बार्कर को 3 बार फोन किया। वो चाहती थी कि कोई कैनेडी को वार्न करे, लेकिन मिडनाइट में रॉबर्ट कैनेडी का असैसिनेशन हो गया। जॉन बार्कर ये सारे केसेस डॉक्यूमेंट कर रहे थे, लेकिन उन्हें प्रीकॉग्निशन पर ज्यादा विश्वास नहीं था। वो इन सब घटनाओं को कोइंसिडेंट समझकर आगे बढ़ रहे थे। तभी कैथलीन और एलन हंचर ने जॉन बार्कर की मौत को ही प्रिडिक्ट कर दिया। उस दौरान वो थोड़ा नर्वस जरूर थे। 42 वर्ष की उम्र में जॉन बार्कर की मौत ब्रेन हैमरेज से हुई एलन और कैथलीन की बताई हुई डेट पर। ईयर 2015 में thisman.org वेबसाइट के क्रिएटर ने वाइस को इंटरव्यू दिया। एंड्रिया नटेला ने बताया कि उन्होंने 2008 की सर्दियों में पहली बार इस व्यक्ति को सपने में देखा था। उस व्यक्ति ने एंड्रिया से कहा कि वो एक वेबसाइट बनाए और दिस मैन की आइडेंटिटी का पता लगाए। एंड्रिया ने दिस मैन का 3D मॉडल बनाया और उसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। दिस मैन की तस्वीर देखकर उसकी आइडेंटिटी का तो पता नहीं लगा, लेकिन हजारों लोगों ने उसे सपने में देखने के दावे जरूर किए। एक व्यक्ति ने बताया कि जब वो 17 वर्ष का था, तब से उसने दिस मैन को सपनों में देखा है। उसके गले में एक चेन होती थी जिसके लॉकेट में लिखा था गो नॉर्थ। कई लोग कहते थे कि दिस मैन उन्हें सपने में चीज करता है और फिर उनकी जान ले लेता है। कई ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने इंडिविजुअली साइकियाट्रिस्ट को बताया कि दिस मैन उन्हें नॉर्थ जाने के लिए कहता है। वो कहता था कि अगर जान बचाना चाहते हो तो गो नॉर्थ। कुछ लोगों ने कहा कि दिस मैन दो रैल्स के बीच फंस कर रह गया है। कुछ का कहना था ये एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस फिगर है जो हमारी भलाई के लिए सपनों में आकर हमसे संपर्क कर रहा है। रिसर्चर्स ने नोटिस किया कि दिस मैन के चेहरे में कुछ ऐसी बात तो थी, जो भी उसे देखता है उसे नोटिस जरूर करता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है आप सपनों में आज दिस मैन को ढूंढ लें या फिर वो आपको ढूंढ ले। एंशियंट मेसोपोटामिया में सपनों को याद करके उन्हें इंटरप्रेट किया जाता था। उनका मानना था कि सपनों में आने वाले भविष्य के लिए मैसेज छुपे होते हैं और उन्होंने सपनों को पढ़ने के इस विज्ञान पर काफी काम किया था। एंशियंट इजिप्शियंस ड्रीम को गॉड के साथ हुआ डायरेक्ट कम्युनिकेशन मानते थे। उन्होंने ड्रीम इंटरप्रिटेशंस के लिए सिंबल्स और मैनुअल्स भी बनाए थे। फेरोस प्रीस्ट की मदद लेकर पॉलिटिकल डिसीजंस लेने से पहले अपने सपनों को डिकोड करवाते थे। सिगमंड फ्रॉयड ने इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स नाम की एक बुक लिखी थी जो साइको एनालिसिस का फाउंडेशन बनी। फ्रॉयड ने दावा किया कि ड्रीम्स हमारे अनकॉन्शियस माइंड में झांकने का तरीका है। उनका मानना था सपने हमारी इनर डिजायर्स के मैनिफेस्टेशन होते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है, क्योंकि ड्रीम्स के बारे में हम कितनी भी बातें जान लें, सच यही है कि ये काफी अनप्रिडिक्टेबल और रैंडम होते हैं। लेकिन कुछ ड्रीम्स ऐसे भी हैं जिनका मीनिंग यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ड्रीम में जब हमें कोई चेस कर रहा होता है, ये हमारे अंदर के डर को दर्शाता है। हम किसी से डर कर असल जिंदगी में छुपने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब ऐसे सपने देखते हैं। ऊंचाई से गिरने का सपना हमें तब आता है जब हमारी असल जिंदगी में चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। कुछ ऐसा है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे। सपने में बाढ़ या सुनामी आने का मतलब हम बेहद खुश हैं और इमोशन से ओवरवेल्म्ड हैं। सपने में दांतों का टूटना दर्शाता है कि रियल लाइफ में हम अपने अपीयरेंस को लेकर खुश नहीं हैं।
स्कूल में एग्जाम के दौरान लेट पहुंचने के सपने, इनका मतलब रियल लाइफ में प्रिपरेशन की कमी और अनसर्टेनिटी से होता है। उड़ने का सपना आना सबसे फेवरेट ड्रीम होता है और इसका मतलब फ्रीडम से है। सपने के स्टाइल में अगर हम दौड़ते हैं तो हमारे रियल लाइफ में पैरों के मसल्स डेवलप होते हैं और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। रिसर्च में पाया गया कि ड्रीम्स के दौरान हीलिंग भी संभव है। सपनों का रेल्म हमारे फिजिकल एग्जिस्टेंस से ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है अगर हम आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो। लेकिन सपने किसी रैंडम मूवी की तरह हमारे सामने चलते रहते हैं, उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। और अगर हम सपनों में कोई भी काम करना चाहते हैं तो हमें सपनों पर कंट्रोल करना होगा। क्या ऐसा संभव है कि सपने के अंदर हमें एहसास हो जाए कि हम सपना देख रहे हैं, ताकि हम उस पर कंट्रोल करके उस स्पेस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें? बिल्कुल है। दोस्तों, सपनों में एहसास हो जाना कि हम सपना देख रहे हैं, ये काफी कॉमन फिनोमिनन है। इसे ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। कुछ खास तरीके हैं जिनके जरिए आसानी से कोई इंसान एक महीने के अंदर इसे अचीव कर सकता है। सपने के अंदर जाकर जब हमें एहसास हो जाए कि हम सपना देख रहे हैं, तब हम ड्रीम वर्ल्ड को स्टेबल बनाकर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, किसी फिजिकल एक्टिविटी की ट्रेनिंग कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस पर रिसर्च कर सकते हैं। टिबेटन मंग सपनों का इस्तेमाल समाधि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए करते आए हैं, वो इसे ड्रीम योगा कहते हैं। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के दौरान जब हम ल्यूसिड ड्रीम करते हैं, तब हमें अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करना होता है ताकि हमारी अवेयरनेस बढ़ती जाए। इस एक्टिविटी के बाद हमें शांति से बैठकर इंतजार करना होता है, सपने के खत्म होने का इंतजार। जब हम जान जाते हैं कि हम सपना देख रहे हैं, तब हम उस चेतना को बरकरार रखकर सपने के खत्म होने का इंतजार भी कर सकते हैं। हम अपनी आंखों के सामने सपने को बनते और खत्म होते ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इसी अवेयरनेस को अगर हम डीप स्लीप की स्टेट तक ले जाने में कामयाब हुए तो वो स्टेट समाधि होती है। वहां तक जाना इतना आसान नहीं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ सब कुछ संभव हो जाता है। यही डीप स्लीप की स्टेट में जब अवेयरनेस जाती है तो इसे तुरिया अवस्था कहा जाता है। तुरिया में हम अनकॉन्शियस रैम को एक्सप्लोर करके डिवाइन इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अकैशिक रिकॉर्ड्स देख सकते हैं और अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को कॉन्शियसली हील कर सकते हैं। ल्यूसिड ड्रीम स्टेट अगर डीप अवेयरनेस के साथ हो तो हमारा ब्रेन थीटा वेव्स इमिट करने लगता है। ये अवस्था चमत्कारों से भरी होती है। वाइस ने 2015 में दिस मैन के बारे में आर्टिकल पब्लिश किया था। उसके बाद उन्हें एक फॉलो अप आर्टिकल पब्लिश करना पड़ा और सेकेंड आर्टिकल था एक अपॉलोजी। वाइस ने एंड्रिया नटेला का इंटरव्यू भी लिया था, जिन्होंने ये वेबसाइट बनाई। एंड्रिया नटेला एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव थे। वो देखना चाहते थे कि क्या वो एक अर्बन लेजेंड क्रिएट कर सकते हैं, और उन्होंने ऐसा ही किया। लोगों से अपील की गई कि वो दिस मैन के फ्लायर्स अपने नेबरहुड में लगाएं, और लोगों ने ऐसा किया। नटेला ने बताया कि दिस मैन की इमेज दरअसल उनके पिता की तस्वीर पर आधारित स्केच था, लेकिन ये मिस्ट्री इतनी आसानी से सॉल्व होने वाली नहीं। ये भी संभव है कि अब नटेला ने इसे होक्स बताकर झूठ कहा था, क्योंकि हो सकता है पोस्टर्स देखकर लोगों को सपने में दिस मैन आया हो, लेकिन 8000 लोग अलग अलग देशों में ऐसे सपने देखें, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा कोइंसिडेंस होगा। ये साइट आज भी मौजूद है जिसमें नटेला ने ये मेंशन नहीं किया है कि दिस मैन होक्स है, और अगर वो सच में एग्जिस्ट करता है तो वो लोगों को नॉर्थ जाने के लिए क्यों कहता है। ये मिस्ट्री आज भी एक मिस्ट्री ही है जिसका फैक्ट चेक करना संभव नहीं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।